दे फोकस मोर, लाइक नॉट मोर बट दे फोकस नाइसली ऑन योर यू नो कंप्यूटर स्किल्स. सो मेरा वो एक इंक्लिनेशन आप कह सकते हो, एक प्यार कह सकते हो, यू नो लव फॉर कोडिंग. बचपन में तो मुझे एरोनॉटिक्स में जाना था, यू नो हर बच्चे को जाना होता है स्पेस में, तो मुझे भी जाना था. सो फिर मैंने कहा ठीक है कंप्यूटर साइंस ही लेनी है मुझे, अब और कुछ करना ही नहीं है, ना कुछ कर पाएंगे शायद. एंड वहाँ पे आपका हर टाइप की कंपनीज आती थी, लाइक TCS, इंफोसिस, कॉग्निजेंट, इनके अलावा जितनी भी बैंगलोर की अच्छी स्टार्टअप्स हैं एंड मिड लेवल कंपनीज भी हैं. सो जब TCS में क्या होता है, जब आप एज अ फ्रेशर आप ज्वाइन करते हैं कॉलेज के डायरेक्ट बाद, तो आपको आई थिंक सबको पता ही होगा कि ट्रेनिंग, उन्होंने ना बस एक वर्ड बोला कि आप लोग डेवलपमेंट नहीं करेंगे, आप लोग सपोर्ट करेंगे. एंड मेरा बैच चेंज हो गया, देन आई वेंट इनटू कोर डेवलपमेंट जावा डेवलपमेंट बैच एंड आई वाज वेरी हैप्पी. मैंने बहुत सिंसियरली अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की. नहीं नहीं सबको जरूरत होती है, हमें यही लगता है सबको कि हमें जरूरत नहीं है, बट सबको होती है. बिकॉज एनीवेज सी फ्रेशर्स के लिए डिफरेंट जॉब्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स भी अलग होती हैं, एंड एक्सपीरियंस के लिए डिफरेंट जॉब्स एंड डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं. वेलकम बैक टू शंकर टेक टॉक. आज हमारे साथ हैं आकांक्षा. आकांक्षा अपनी करियर की पूरी जर्नी शेयर करने वाली है हमारे साथ, और उन्होंने अपने करियर में कैसे स्टार्ट किया, कैसे उनको एक एक स्टेज मिली टू परफॉर्म इन आईटी एज इंजीनियर. सो पूरी डिटेल में जानकारी मिलने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो से बने रहें. अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. हाय आकांक्षा, वेलकम टू शंकर टेक टॉक. थैंक यू शंकर फॉर हैविंग मी. एंड मैंने अपनी करियर की जर्नी स्टार्ट करी एज एन इंजीनियर, और अब मुझे अराउंड 7+ एक्सपीरियंस हो चुका है इस लाइन में. एंड या आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर. अपने एजुकेशन में क्या क्या है? तो लाइक सिंस माय चाइल्डहुड आई वाज लाइक स्टडिंग इन ICSE बोर्ड. सो वहाँ पे यू नो दे फोकस मोर, लाइक नॉट मोर बट दे फोकस नाइसली ऑन योर यू नो कंप्यूटर स्किल्स. सो 4th स्टैंडर्ड से ही हम लोगों ने थोड़ा बहुत कोडिंग स्टार्ट कर दी थी. 6th से C++ आप इंट्रोड्यूस करा दी थी. देन इन 11th एंड 12th ऑल्सो एज माई ऑप्शनल सब्जेक्ट आई ऑप्टेड फॉर कंप्यूटर. सो मेरा वो एक इंक्लिनेशन आप कह सकते हो, एक प्यार कह सकते हो, यू नो लव फॉर कोडिंग शुरू से था, लाइक सिंस माई चाइल्डहुड. सो फिर डेफिनेटली मैं बीटेक में जब आई, क्योंकि मेरे फादर मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो मुझे उस तरफ वैसे इंक्लिनेशन था कि मेरे फादर ने ये किया है तो यू नो मैं भी कर सकती हूँ. तो माई फादर, मुझे आज भी याद है, आफ्टर लाइक माई 12th वॉज ओवर, माई फादर आज मी कि आपको क्या करना है आगे. सो आई सेड बचपन में तो मुझे एरोनॉटिक्स में जाना था, यू नो हर बच्चे को जाना होता है स्पेस में, तो मुझे भी जाना था. तो बट उसका तो इतना मतलब कभी ऐसा सोचा भी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे एक्सप्लोर नहीं किया उस फील्ड को इतना, ना मतलब उस तरफ हो पाया. सो पापा ने कहा कि फिर क्या करना है, तो मैंने कहा फिर सेकेंड ऑप्शन इज मुझे आपकी तरह इंजीनियर बनना है, ठीक है, तो आपकी तरह मुझे जॉब करनी है, मैकेनिकल इंजीनियर बनना है. तो पापा ने कहा कि बट तुझे कंप्यूटर्स भी पसंद है? मैंने कहा हाँ वो भी मुझे पसंद है. तो पापा ने कहा लाइक फॉर गर्ल्स एंड आजकल जो बूमिंग सेक्टर है, जो नेक्स्ट सेक्टर बूम होने वाला है, दैट इज कंप्यूटर्स ओनली, और तेरा उसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, सो व्हाई यू वांट टू गो फॉर मैकेनिकल, जस्ट कॉपिंग मी, गो व्हाट यू लाइक, राइट, गो फॉर दैट. सो फिर मैंने कहा ठीक है कंप्यूटर साइंस ही लेनी है मुझे, अब और कुछ करना ही नहीं है, ना कुछ कर पाएंगे शायद. So I went for it. मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस में किया. इस तरह से यू नो मैंने मेरा करियर मतलब कॉलेज के स्टार्ट हुआ यहाँ से. ओके, तो आपको वहाँ स्पेस में तो स्पेस नहीं मिला, बट आईटी में स्पेस मिल गया, तो आपने अपनी जगह बना ली. होपफुली. तो आपने सीएस से बीटेक किया है, जब आप कौन से कॉलेज में थे फर्स्ट ऑफ ऑल, और किस कैटेगरी का आपका कॉलेज था, Tier 1, Tier 2, Tier 3? अगर Tier 1 या Tier 2 था तो किस तरह की कंपनीज आपके कॉलेज में आते थे इंटरव्यूज लेने के लिए? सो फर्स्टली लाइक मैं SRM यूनिवर्सिटी से मैंने अपना बीटेक किया है कंप्लीट. नॉट श्योर किस टीयर में आता है वो, क्योंकि मतलब उस टाइम पे तो इतना मुझे पता ही नहीं था कि टीयर्स क्या होते हैं, बट डेफिनेटली आई थिंक 2 to 3 और मे बी 3 ही है, बिकॉज इट्स अ प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी. सो उनका अपना अलग एंट्रेंस एग्जाम होता था. कैसी कंपनीज आती थी, कंपनीज का एक्सपोजर अच्छा था लकीली हमारे कॉलेज में, शायद इसीलिए मैंने उसको चूज भी किया था, बिकॉज इनका जो मेन कैंपस था चेन्नई में, वहीं से सब लोग का प्लेसमेंट होता था. तो हम लोग भी 3 मंथ्स, मतलब मैं चेन्नई ही रही थी प्लेसमेंट्स के लिए,
एंड वहाँ पे आपका हर टाइप की कंपनीज आती थी, लाइक TCS, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, इनके अलावा जितनी भी बैंगलोर की अच्छी स्टार्टअप्स हैं एंड मिड लेवल कंपनीज भी हैं, बहुत सारी कंपनीज चेन्नई की, तो मतलब कंपनीज, गुड नंबर ऑफ कंपनीज आती थी चेन्नई कैंपस में। ओके, तो आपकी कैरियर की शुरुआत कॉलेज से हो गई थी, आपका कॉलेज प्लेसमेंट हुआ था या फिर बाहर जाके आपने ट्राई किया था? नहीं, मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया था। ओके, कंपनी कौन सी थी आपकी? हम लोग चार में एक साथ बैठे थे तो चारों में हुआ था मेरा, बट मैंने चोज TCS करी थी। चारों कौन सी कंपनी थी? TCS, Infosys, Cognizant and Wipro. बट मेरा शुरू से था TCS ही जाना है मुझे, तो मतलब I went for TCS. Maybe इसलिए क्योंकि वो दिल्ली NCR में है उसका ऑफिस। तो हमारे यहाँ मतलब ऐसा भी होता है कि once you are placed तो आप नहीं बैठ सकते, तो फिर ठीक है, बट आई वॉज हैप्पी क्योंकि मैं थोड़ा होम सिक भी हो रही थी चेन्नई में, तो मुझे था हाँ बस हो जाए अब घर जाना है। तो ये सबके साथ होता है, तो मतलब मेरे अंदर भी वही था, फोर्थ ईयर में थे हम लोग। जब आपने TCS ज्वाइन किया था तो आपको इससे पहले आपने इंटर्नशिप का कोई प्लान नहीं था, आपने कोई इंटर्नशिप करी की भी नहीं कहे थे किंदर भाई? नहीं, मैंने बस ट्रेनिंग करी थी जावा में, एक और कॉलेज में भी, एडवांस जावा की। ओके, तो जब आपने करियर की शुरुआत की फर्स्ट TCS से, तो आपको क्या चैलेंजेस फेस हुए और आपने क्या एक्सपेक्ट किया था कॉर्पोरेट वर्ल्ड से और आपको क्या मिला? सो जब TCS में क्या होता है, जब आप एज अ फ्रेशर आप ज्वाइन करते हैं कॉलेज के डायरेक्ट बाद, तो आपको आई थिंक सबको पता ही होगा कि ट्रेनिंग होती है, इट कैन बी ऑफ 2 months, 3 months, लाइक डिपेंड्स, राइट? सो उन्होंने हमें एक प्री कोर्स भी दिया था जो हम लोग को अगर कर लेते हैं तो हमारी ट्रेनिंग इट विल गेट रिड्यूस फ्रॉम 3 to 2 months। तो मेरी फर्स्ट ऑफ ऑल वो ट्रेनिंग रिड्यूस हो गई थी, ऑलरेडी 2 months हो गई थी। देन आई वेंट टू त्रिवनंतपुरम केरला फॉर माई ट्रेनिंग, उनका ILP कैंपस है वहाँ पे। वहाँ पे मतलब जब मेरा फर्स्ट डे था तो वहाँ पे लाइक रैंडमली जितने भी कॉलेज के बच्चे आते हैं उनको डिवाइड कर दिया जाता है ग्रुप्स में, यू नो, जिसमें आपकी ट्रेनिंग होगी। एंड क्योंकि एक बड़ा, बहुत बड़ी कंपनी है TCS, तो उनको यू नो हर टाइप के एसोसिएट्स चाहिए, यू नो हर टेक्नोलॉजी में, हर कैटेगरी में। सो यू नो दे जस्ट डिवाइड पीपल इनटू बैचेस और सबकी अलग अलग ट्रेनिंग होती है एंड वो बहुत ही रैंडम होता है, यू नो। सो मुझे जिस बैच में मैं थी और मुझे डाला गया था, इट वाज आई थिंक रिलेटेड टू IT सपोर्ट। सो उसमें मुझे मतलब मेरा वो बैच हो गया था। देन उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने ना बस एक वर्ड बोला कि आप लोग डेवलपमेंट नहीं करेंगे, आप लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है? तो दिस वाज द फर्स्ट लाइन जो उन्होंने बोला उस सेमिनार में। अब पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे इतना अजीब सा लगा, मतलब वहाँ बैठे बैठे कि मैं लाइक लिटरली मैं बीच में से उठी एंड आई जस्ट वॉकड अवे, ठीक है? मैं अपने जो हमारे मेंटर थे उनके पास गई, मैंने ऐसे आंसू आ गए थे मेरी आंखों में एंड मैंने बोला मैम मैंने बहुत यू नो मैं बहुत कोडिंग करती हूँ और मुझे ना सपोर्ट नहीं करना, मुझे डेवलपमेंट ही करना है, ठीक है? तो शी वॉज लाइक ये अरे कोई बात नहीं तुम डेवलपमेंट कर लेना। मैंने कहा नहीं, मुझे ट्रेनिंग भी उसी की करनी है, जो मुझे करना है मुझे उसी की ट्रेनिंग करनी है, मतलब आई वॉज वेरी श्योर, ठीक है? तो उन्होंने कहा ठीक है आप एक काम करो, अगर आपको अपना बैच चेंज करना है, वैसे ही होता नहीं है बट अगर आपको इतना प्रॉब्लम हो रही है और आपको बैच चेंज करना है तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा जावा का, ठीक है? आप उसे क्लियर कर लोगे तो हम आपको आपका बैच चेंज कर देंगे। तो मैंने कहा ओके। सैटरडे संडे था नेक्स्ट 2 days, उसके बाद मंडे को वो टेस्ट था, मैंने 2 दिन प्रिपेयर किया एंड मंडे आई अपेयर्ड फॉर इट। मेरे साथ 5 लोग, अराउंड 5 or 7 लोग थे जिन्होंने वो टेस्ट दिया, मेरा क्लियर हो गया एंड मेरा बैच चेंज हो गया। देन आई वेंट इनटू कोर डेवलपमेंट जावा डेवलपमेंट बैच एंड आई वाज वेरी हैप्पी। मैंने बहुत सिंसियरली अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की, लकीली आई गॉट इनटू वेरी गुड प्रोजेक्ट जिसके लिए मैंने इंटरव्यू दिया, वो भी मेरा क्लियर हो गया था एंड मैं कोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में मुझे एक सीट मिल गई। सो मतलब मुझे लगता है कि TCS में भी ना देयर आर वैरायटी ऑफ वर्क बिकॉज इट्स अ बिग कंपनी, कि आप क्या कर रहे हो उस पर बहुत डिपेंड करता है। तो मैंने वहाँ पे फिर अपना प्योर डेवलपमेंट वर्क ही किया शुरू से आखिर तक। तो TCS ने जो ट्रेनिंग दी उसके अंदर क्या होता है एक्चुअली? वो ट्रेनिंग बहुत ही मतलब अच्छी है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि उसमें वो लोग कोशिश करते हैं कि वो ऑलमोस्ट सब कुछ कवर करते हैं,
देखिए, एक होता है कि आपने जावा पढ़ रखी है, लाइक बुकिश नॉलेज, आपको सिंटेक्स पता है, कब कहाँ क्या यूज करना है आपको पता है, बट उसको कैसे आपको प्रैक्टिकली यूज करना है थ्रू थ्रू प्रोजेक्ट्स। तो वहाँ पे ना वो आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स देते हैं जिन पे आप जब काम करते हो तो आपको प्रैक्टिकली अपनी नॉलेज को यूज करना आता है, ठीक है, कैसे आपको सही वे में उसको यूज करना है वो आप वहाँ पे सीखते हो। तो बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए तो वो, क्योंकि मुझे यू नो एक कॉर्पोरेट कल्चर कैसे होता है वो नहीं पता था, और उसके साथ साथ वो आपको सॉफ्ट स्किल्स भी सिखाते हैं। तो आई वुड से कि इट वाज, मतलब मेरे लिए इट वाज वेरी बेनिफिशियल, ऐसा कुछ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा ILP का, बिकॉज जिस बैच में मैं गई, भुवनेश्वर का आई थिंक कॉलेज का बैच था वो, सब लोग बहुत ही हैपनिंग थे, सब हम लोग फ्रेंड्स बन गए, और मतलब इतना एक्सपोजर मिला हमें दूसरे कल्चर्स का भी, लाइक भुवनेश्वर का बैच था वहाँ पे, इवन US से वो आए हुए थे एसोसिएट्स, सो एक्सपोजर डेफिनेटली बहुत अच्छा था। और हम लोग क्या करते थे ना, हर वीकेंड पे लाइक सैटरडे संडे घूमने जाते थे केरला के बीचेस पे, एंड मुन्नार, एंड देन रामेश्वरम। सो ओवरऑल इट वॉज फन एंड ट्रेनिंग and learning, like it was very good experience for me, bahut fun tha wo definitely. Okay, so first job mein aapko kya package offer kiya TCS ne? To be honest I cannot recall exact number, but I think it was at that time it used to be like 3.8 3.9 that only, matlab brochure mein nahi, but definitely jab first time koi company aati hai to apna ek circular release karti hai email ke through, to aapko pata hai ki bhai we are coming with this much package. आपके करियर की जब TCS ज्वाइन किया आपने, उसके बाद कौन सी कंपनी ज्वाइन की और कितने टाइम के बाद ज्वाइन की? ओके, सो आफ्टर TCS मैंने ज्वाइन करी अडोब आफ्टर 1.4 और 5 इयर्स ऑफ वर्किंग इन TCS। तो मैंने अडोब ज्वाइन की, यस, वहाँ पे मैंने 6 months काम किया। उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई पेटीएम में, देन आई वर्क विद पेटीएम फॉर 2 years, and then I'm now working with Saverbox for past 3 years, more than 3 years, it's 3.4 now. So back to the TCS, so aapne initially career mein kya challenges face kiye the? Initial challenge to yahi tha ki jab aap itni badi company ka part hote hain to aapko milta hai, like aap choose nahi karte ho, so aapko matlab choose bhi karte hain aur aapko milta bhi hai depending upon your capability, डिपेंडिंग आपने कैसा परफॉर्म किया है, तो आपको वहाँ अच्छा परफॉर्म करना ही है अगर आपको अच्छा प्रोजेक्ट चाहिए, राइट? आपको प्रोजेक्ट भी, फिर इंटरव्यू होगा आपका, तो अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है तभी आपको लिया जाएगा। तो अब जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे डेवलपमेंट में ही रहना था, मुझे कोडिंग पसंद थी, तो मुझे इंटरव्यू देना मतलब एक चैलेंज नहीं कहूँगी उसे, बट यस, आपको हमेशा पढ़ते रहना होगा, आपको हमेशा ऑन योर टोज रहना होगा। सो मैंने फिर डेवलपमेंट की जॉब ली, फिर मैंने डेवलपमेंट का मतलब प्रोजेक्ट लिया और बहुत अच्छे से काम किया, मतलब 1.4 इयर्स कंटिन्यूस, आई वुड से मेरे लिए वो एक लर्निंग पीरियड था, क्योंकि एक पढ़ाई की तरह किसी लैंग्वेज को पढ़ना, एक उसे प्रोजेक्ट में यूज कर पाना जिससे यू नो आप कंपनी को बेनिफिट दे सकते हैं, वो चीज़ मैं बोलूँगी मैंने TCS में सीखी। मतलब बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरा TCS में, बहुत ही ज़्यादा, कोई ऐसा दिन नहीं था जब मैंने काम नहीं किया। तो जब आपने एक पॉइंट किया, रेज किया कि अच्छा प्रोजेक्ट तभी मिलेगा जब आप अच्छा परफॉर्म करोगे, राइट? बिल्कुल। तो अच्छा प्रोजेक्ट की क्या क्राइटेरिया है आपके अकॉर्डिंग, अच्छा प्रोजेक्ट क्या होता है? मेरे लिए उस टाइम पे ये क्राइटेरिया था अच्छे प्रोजेक्ट का, जिसमें मुझे सीखने को मिले, जहाँ मुझे लर्निंग मिले, मेरे लिए वो अच्छा प्रोजेक्ट है। मतलब मुझे मोनोटोनस काम नहीं करना था कि मैं रोज एक काम मैंने सीख लिया और मैं वो कर जा रही हूँ, राइट? मुझे था दैट एवरी डे आई एम गेटिंग टू लर्न समथिंग न्यू विच आई डोंट नो, और मे बी आई नो बट देर इज अ न्यू वे ऑफ डूइंग दिस, सो दैट वॉज लाइक गुड प्रोजेक्ट फॉर मी। जो स्टूडेंट्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं और जो ऑलरेडी इंडस्ट्री के अंदर हैं 1 या 2 year एक्सपीरियंस, उनको अपने करियर को ग्रो करने के लिए किन टूल्स को एक्स्ट्रा ऐड करना चाहिए विद जावा प्रोग्रामिंग? टूल्स मेरे को लगता है पर्सनली कि आप सीख ही जाते हैं, अगर आपकी लॉजिकल स्किल्स हैं, अगर आपको मतलब इनसाइड आउट आता है कि कोडिंग नहीं बोलूँ कि मैं चीज़ें कैसे काम करती है, कोई भी लैंग्वेज किस चीज़ पे बेस्ड है, ठीक है, लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, जावा हो सकती है, सी हो सकती है, C++ हो सकती है, C# हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज हो, अगर आपको बेसिक्स पता है लाइक हाउ इट वर्क्स, राइट, आपको ABCD पता है, तो आप कोई भी यू नो ऐसे लिख सकते हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि टूल इज समथिंग जो आप एनी वे सीख जाएंगे. आज आप इस कंपनी में है, आपको ये वाला टूल चाहिए, आप कर लेंगे. दूसरी कंपनी में आपको ये वाला टूल चाहिए, आप वो सीख जाएंगे. सो बेसिक्स अपने अच्छे रखिए, ठीक है. टूल तो आते जाते रहते हैं, कभी कुछ यूज हो रहा होगा लेटेस्ट, कभी कुछ यूज हो रहा होगा. बाकी आपको एक लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए अच्छे से, जिसपे आपका अच्छा कमांड हो, जिसके सिंटेक्स वगैरह आपको ये ना अच्छे से पता हो. उसके अलावा आपको एक डेटाबेस लैंग्वेज भी आनी चाहिए, कोई सीक्वल जैसे और नो सीक्वल एनीथिंग. उसके अलावा आपको थोड़ा बहुत डेवॉप्स का काम भी पता होना चाहिए कि सर्वर्स कैसे काम करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं. तो मतलब बेसिक आपको सबके क्लियर होने चाहिए. टूल्स आप सीख जाएंगे जब भी आप किसी कंपनी में जाएंगे, जो भी यूज हो रहा होगा. एक जॉब सर्च करने का क्या सही तरीका होता है और कंपनी में किस तरह से अप्लाई करना चाहिए? जॉब सर्च करने के काफी तरीके होते हैं. फर्स्ट तरीका ये होता है कि आप देखिए कि आपका जो प्रोफाइल है उससे रिगार्डिंग, या आपको जिस भी फील्ड में जाना है, सो आपके कौन सी कंपनी आपको अच्छी लगती है, राइट. मतलब जहाँ आप काम करना चाहते हो या जहाँ पे उसकी जॉब्स अवेलेबल भी हैं, तो पहले तो आप सारी कंपनीज में ना प्रोफाइल सर्च कीजिए कि उन्होंने किस किस की ओपनिंग्स निकाली हुई हैं, उसमें क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं. फिर आप उस रिक्वायरमेंट को अपनी रिक्वायरमेंट से मैच कीजिए कि आपको उसमें से क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता, या फिर आप सीखना चाहते हो, राइट. अगर आपको वो सब आ गया है तो डेफिनेटली अपना एक जो CV है आपको उसको बहुत क्रिस्प एंड शॉर्ट रखना चाहिए. मतलब नॉट लाइक कि आप उसमें पैराग्राफ्स लिख रहे हैं, राइट. क्योंकि वो बहुत ही यू नो रिक्रूटर के लिए मुश्किल हो जाता है उसको गो थ्रू करना. मोस्टली आजकल सिस्टम्स आ गए हैं जो स्कैन करते हैं आपके CVs को. सो गो फॉर कीवर्ड्स, जो कीवर्ड्स आपके जॉब रिक्वायरमेंट्स में है वो आपके CV में अगर मैच करेंगे, जितने ज़्यादा मैच करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस है आपके CV को सेलेक्ट होने के. एंड उसके बाद जॉब एक बार सर्च हो गई, आपको कॉल आ गया, इंटरव्यू स्केड्यूल हो गया, देन तो सबको पता ही है यू हैव टू परफॉर्म गुड इन द राउंड्स. एक क्वेश्चन और है मेरा इसके अंदर, जैसे आपने कहा कि मोर कीवर्ड्स शुड हैव इन द सेम, राइट. बट कीवर्ड्स तो तभी होंगे ना जब आपको एक्सपीरियंस होगा, जब आपने कुछ सीखा होगा, कुछ प्रैक्टिकली किया होगा. सपोज करो कोई फ्रेशर कैंडिडेट है तो वो CV में कीवर्ड्स ज्यादा यूटिलाइज नहीं कर सकता, राइट. बिल्कुल नहीं. तो उन्होंने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया होगा, उसमें उस टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं यूज किया होगा. बिकॉज एनीवेज फ्रेशर्स के लिए डिफरेंट जॉब्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स भी अलग होती हैं, एंड एक्सपीरियंस के लिए डिफरेंट जॉब्स एंड डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं. सो एज अ फ्रेशर कैंडिडेट जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो प्रोफाइल ही पूरी तरह अलग होती है. तो आपका ज़्यादा ही मतलब ज़्यादा फोकस आपका वैसे भी उस पर होने वाला है, कोडिंग स्किल्स पे आपकी, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स. एंड आपको डेफिनेटली, लेकिन उसमें भी अगर आप एक टेक्निकल जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपको एक लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए, दैट इज लाइक मस्ट टू हैव. जैसा कि IT में डेली न्यू टेक्नोलॉजी आती है, न्यू टूल्स लॉन्च होते हैं और काफ़ी ओपन सोर्स भी होते हैं, काफ़ी पेड भी होते हैं, तो IT में सर्वाइव करने के लिए इन फियर ऑफ न्यू लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजी, इनसे कैसे बचे, कैसे इसको हैंडल करें? तो आपने जैसे यहाँ पे वर्ड यूज किया फियर, सो मुझे लगता है कि वो फियर नहीं होना चाहिए आपको. बिकॉज देखो, जब आप IT में हो या आप किसी भी काम में हो, नॉट जस्ट IT, आप उसमें तभी हो जब आपको वो पसंद है करना, राइट. तो अगर कोई चीज़ आपको पसंद है तो आप उसको आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ गेनिंग नॉलेज करेंगे. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पता लगता है कि मैं कोई काम कर रही हूँ और उसको करने का कोई बेटर तरीका मार्केट में आया है, राइट, कोई सॉफ्टवेयर आया है, तो मेरे लिए वो एक यू नो बेनिफिट है. मतलब मेरे लिए वो एक प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए वो एक एडवांटेज है, दैट ओके लेट्स एक्सप्लोर इट, लेट्स लर्न अबाउट इट, कि शायद यू नो हमारा काम इससे और ईजी हो जाए और बेटर हो जाए. तो मुझे लगता है कि जब आप IT में हो तो आपको हमेशा लर्निंग के लिए ओपन रहना चाहिए, लाइक ऑलवेज कीप योर गेट्स ओपन टू लर्न न्यू थिंग्स, बिकॉज IT इज ऑल अबाउट लर्निंग. टेक्नोलॉजी तो चेंज होती ही रहेगी, आपको उसके साथ फेस अप करना होगा. ओके. सो कई बार जब मैं कोई जॉब प्रोफाइल सर्च करता हूँ तो कई बार क्या होता है, जैसे आप जावा डेवलपर हो तो जावा प्लस पाइथन, जावा प्लस .NET, जावा प्लस C#, इस तरह की वैकेंसीज भी होती है, और JD में ये सब कुछ लिखा होता है कि आपका 50-40, 60-40 या जो भी रेशो है वो ऐसा होना चाहिए. तो कई कैंडिडेट ऐसा भी करते हैं कि वो उस इंटरव्यू को निकालने के लिए C# या अदर टेक्नोलॉजी में चले जाते हैं, तो क्या ये करना सही है या फिर अपनी जो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है उस पर एक्सपर्टाइज करना चाहिए? ओके.
इसमें ना दो ओपिनियंस हैं और मुझे लगता है कुछ भी गलत सही नहीं होता। डेफिनेटली आप ऑलरेडी जिसमें वर्क कर रहे हैं उसमें अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके लिए एक तो थोड़ा इजी भी रहेगा और आपके लिए ग्रो करना भी इजी होगा, बिकॉज आपका उस पर प्रायर एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, राइट। बट अगर आप किसी न्यू टेक में जाना चाहते हैं एंड आप आउट ऑफ मजबूरी नहीं, आउट ऑफ इंटरेस्ट भी जा सकते हैं, तो मुझे लगता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, जो मैंने पहले बोला कि लैंग्वेजेस सारी एक ही चीज पे बेस्ड एंड सिंटेक्स कैन बी डिफरेंट बट लॉजिक्स विल ऑलवेज बी सेम, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, कोडिंग लैंग्वेज। सो आई थिंक लैंग्वेज बैरियर नहीं रखना चाहिए एज अ डेवलपर किसी को भी अपने करियर में, कि मतलब मैं आई विल कोड ओनली इन दिस लैंग्वेज और दैट लैंग्वेज। लाइक यू शुड बी ओपन टू ऑल लैंग्वेजेस। So, जो स्टूडेंट्स अभी कॉलेज में लाइक लास्ट ईयर अपना है परस्यू कर रहे हैं, तो उनको अभी से अपना करियर बनाने के लिए क्या फोकस करना चाहिए, क्या आपकी क्या एडवाइस रहेगी उनको, क्या करना चाहिए अभी से? ओके, सो आई वुड से कि प्लीज आप चेक करिए कि लेटेस्ट क्या प्रोसेस है कंपनीज के फॉर फ्रेशर्स, क्योंकि ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। लाइक मेरे टाइम पे इट वॉज एप्टीट्यूड राउंड, then sometimes GD round, sometimes not, depending on the company, and after that technical rounds, then HR round. So this was the process that, you know, it was when I gave interview as a fresher, but it might have changed because, you know, companies change their processes from time to time. So please go and check the YouTube websites that what is the latest process and prepare accordingly, because it's very important to prepare the right thing. Not just, you know, studying, but preparing the what is required. लेकिन एक interesting story आपके career की जो आप share करना चाहते हो? हाँ, मतलब हम लोग को Paytm में बहुत मजा आता था। Like fun story में मुझे सबसे ज्यादा Paytm याद आता है, because हम सभी box में तो हमेशा lockdown ही रहा, मतलब work from home ही हो गया एकदम। मेरे 4 months of joining के बाद कोरोना लग गया, बट बहुत फन मोमेंट्स तो डेफिनेटली रहे हैं। लाइक मेरे TCS में बहुत फ्रेंड्स थे, मैंने आपको बताया हम लोग केरला गए घूमने, बहुत कुछ हमने घूमा। फिर आपका अडोब में भी मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बने, एंड देन Paytm में तो लाइक बिल्कुल भूल गए थे हम कि हम ना कलीग्स हैं, ऐसे ही फ्रेंडशिप हो गई थी। तो हम लोग लिटरली आना जाना और मस्ती करना और उसके बाद पार्टी करना, मैं बहुत मस्ती करी है लिटरली। हम लोग को ऐसा लगता था कि हमारा कॉलेज है जहाँ हम लोग यू नो काम करते हैं इतने टाइम और इसके बाद यू नो मस्ती करते हैं। आपका अगर सयूर बॉक्स की बात करूँ तो सयूर बॉक्स में जब अपॉर्चुनिटी मिली इंडोनेशिया जाने की, तो हम लोगों ने हम बाली घूमने गए, बहुत मस्ती करी। तो सारी कंपनीज में मतलब मैंने मस्ती तो करी है, फ्रेंड्स हैं मेरे सभी कंपनीज में। तो अभी तक की आपकी जर्नी के अंदर जितनी भी कंपनी है, सबसे बेस्ट कंपनी या बेस्ट मेमोरीज कौन सी कंपनी से मिली आपको? मुझे लगता है हर कंपनी से मिली है मुझे तो, मतलब मैं किसी एक को चूज नहीं कर सकती क्योंकि सब में मेरे बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बने हैं, सब में मैंने मस्ती करी है, तो मतलब एक नहीं चूज कर पाऊंगी। बट डेफिनेटली जो फर्स्ट कंपनी थी, जब उसको छोड़ा तो मेरे ऐसे मतलब दुख हुआ था मुझे, लाइक थोड़ा सा मेरे आंसू निकले थे, मुझे याद है क्योंकि वो होता है ना एक फर्स्ट आपकी जॉब है वो, तो और वहां पे ना मतलब जब ट्रेनिंग पे गए थे तो बहुत मतलब एकदम फील नहीं हुआ था कि अभी हम जॉब पे आ गए, क्योंकि बैचेस होते थे, मस्ती होती थी, काम भी होता था, तो अच्छा था ओवरऑल एक्सपीरियंस। फिर तो प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो गई उसके बाद तो हमेशा ही प्रोफेशनल था, बस वही थोड़ा सा था जहाँ पे हम लोग ऐसे यू नो पढ़ाई करते थे जॉब में, बाकी तो हर जगह फिर प्रोफेशनल ही रहा सब। बिकॉज एनीवेज सी फ्रेशर्स के लिए डिफरेंट जॉब्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स भी अलग होती हैं, एंड एक्सपीरियंस के लिए डिफरेंट जॉब्स एंड डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो अगर स्टूडेंट्स को इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी हो तो उनको कौन से मीडियम्स को फॉलो करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और क्या अप्रोच रखनी चाहिए? ओके, सो जैसे मैंने कहा कि आपको लिटरली कंपनी वाइज प्रिपेयर करना होगा, तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी फ्रेशर्स हैं अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं किसी कंपनी के लिए करना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए बस यही कहूँगी अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, जो मुझे भी उस टाइम पे नहीं पता था बट अब मुझे पता है तो आई एम शेयरिंग दैट, मे बी आई कैन बी रॉन्ग बट दिस इज माई ओपिनियन, कि आपको कंपनी स्पेसिफिक और प्रोफाइल स्पेसिफिक प्रिपेरेशन करनी होगी। लाइक कुछ राउंड्स जनरल होते हैं
और सब कंपनीज में होते हैं, बट बाकी कंपनी स्पेसिफिक होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप प्रोडक्ट बेस्ड के लिए कर रहे हैं, सर्विस बेस्ड के लिए कर रहे हैं, या आप कंसल्टेंसीज के लिए कर रहे हैं, बिग फोर के लिए कर रहे हैं प्रिपेरेशन, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि आपको क्या पढ़ना है, आपको किस चीज में अपना फोकस ज्यादा रखना है. सो ओवरऑल मैं फॉर अ डेवलपर बता सकती हूँ, बाकी प्रोफाइल्स का मुझे नॉलेज नहीं है. तो डेवलपर के लिए मुझे जो लगता है, जो हमने किया था वही आई थिंक अभी होता होगा या हमें करना चाहिए था अगर हमने नहीं भी किया था. सो दैट इज आपका एप्टीट्यूड, उस पर तो आपको फोकस करना ही पड़ेगा एज अ फ्रेशर. देन आपका रीजनिंग, आपका कोडिंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स आएगा इसमें. आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए बोथ ऑन पेन पेपर एंड एक्चुअल प्लेटफॉर्म्स, कोडिंग प्लेटफॉर्म्स. उसके अलावा आपको किसी एक लैंग्वेज के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, एटलीस्ट एक लैंग्वेज, इनफैक्ट एक ही काफ़ी है. एंड उसके अलावा आपके पास एक प्रोजेक्ट होना चाहिए जो आपने अपने कॉलेज में किया हो या आपने अपने पर्सनल लाइफ में किया हो, जो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इंटरव्यू में कि हाउ यू अप्रोच्ड इट, आप प्रोजेक्ट को आपने कैसे सोचा, कैसे डिज़ाइन किया, कैसे एग्जीक्यूट किया. तो या ओवरऑल दैट देन यू विल हैव समथिंग राइट टू शेयर इन योर इंटरव्यू. सो ओवरऑल मुझे लगता है ये आपको करना ही होगा. तो उसके लिए मैं कहूँगी सबको ना कि आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद इंटरव्यू से पहले एक बार प्रॉपर मतलब तैयार करें कि आपने प्रोजेक्ट को क्यों बनाया, टेक्नोलॉजी क्या यूज़ करी, उस टेक्नोलॉजी के बारे में भी आपको काफ़ी पता होना चाहिए राइट. मतलब नॉट जस्ट जो आपने प्रोजेक्ट में यूज़ किया उसका पार्ट, उससे थोड़ा ज़्यादा. एंड वो सब आप कलेक्टिव इंफॉर्मेशन अपना यू नो रेडी रखें एकदम कि इंटरव्यू से पहले आपको वो हमेशा एक बार गो थ्रू करना है एंड देन गो फॉर इंटरव्यू. तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी, फियर नहीं होगा. देन कोई भी आपसे कुछ भी पूछेगा, यू विल बी एबल टू गिव आंसर्स. ओके, एक क्वेश्चन और मेरा, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है. कई बार होता है ना ब्रीफ योरसेल्फ राइट, तो उसका कितना जवाब होना चाहिए और अपने उसके अंदर क्या क्या कंसिडर करना चाहिए एज ए फ्रेशर कैंडिडेट. देखिए, जब आप एज अ फ्रेशर कर रहे हैं तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस तो प्रायर है नहीं राइट. ऑलरेडी बीटेक कर रहे हैं, किस फील्ड में कर रहे हैं, आपको आप मेंशन है ऑलरेडी राइट. सो बट बिकॉज ये एक प्रोफेशनल इंटरव्यू है राइट, तो मुझे लगता है कुछ हम जब एज अ फ्रेशर्स थे तो मतलब कुछ कैंडिडेट्स क्या करते थे ना, अपने पर्सनल लाइफ में जाने लगते थे. तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हमें पर्सनल लाइफ को, दे आर नॉट इंटरेस्टेड राइट इन दैट, दे डोंट वांट टू नो दैट. तो आपको उसमें ना जाते हुए आपको अपना प्रोफेशनली आपने अपने बीटेक की लाइफ में क्या क्या पढ़ा, किस किस टेक्नोलॉजी में आपको अच्छी नॉलेज है, आप वो बताइए, क्योंकि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यूअर का उन्हीं टेक्नोलॉजी पे होने वाला है. सो जो आपका यू नो आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट है टेक में, आप उसको इंट्रोड्यूस कीजिए अपने इंट्रोडक्शन में कि आपने ये प्रोजेक्ट और या इस टेक में आप फिलहाल काम कर रहे हैं और आगे कंटिन्यू करेंगे, और बाकी आप ओपन है सारी टेक्नोलॉजीज के लिए, सारे टूल्स के लिए. सो इस तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं. ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की आपने. कई बार थॉट नहीं आता माइंड में कि यार क्या बोले, और स्टार्टिंग जैसा आपने कहा कि पर्सनल डीप चले जाते हैं लोग और वो चले जाते हैं. बिल्कुल, क्योंकि हम लोग एक्चुअली सोच के नहीं रखते, बट मुझे लगता है कि इंटरव्यू में आपको इस क्वेश्चन के लिए भी ना थोड़ा सोच के ही जाना चाहिए. लास्ट क्वेश्चन, आपकी करंट प्रोफाइल क्या है, अभी क्या पोजीशन दे रखी कंपनी ने आपको, और आपने अपने करियर में कितनी बार प्रमोशन लिया है, और अभी आपका करंट पैकेज क्या है. ओके, सो आई स्टार्टेड माय करियर विद TCS, वहां पे आई गॉट पोजीशन एज एसोसिएट ट्रेनी. आफ्टर आई कंप्लीटेड माय ट्रेनिंग, आफ्टर वन ईयर एक्चुअली आई बिकेम एसोसिएट. देन आफ्टर दैट आई स्विच्ड माय कंपनी टू अडोब. देयर आई गॉट पोजीशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. आफ्टर अडोबी आई वेंट टू पेटीएम एज SD1, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर 1. नेक्स्ट ईयर इन पेटीएम आई गॉट प्रमोटेड टू SD2. देन आफ्टर दैट आई मूव टू सयूर बॉक्स ऑन सेम पोजिशन SD2. आफ्टर वन ईयर, लाइक लास्ट ईयर ओनली, आई गॉट प्रमोटेड टू SD3 इन सयूर बॉक्स. रिसेंट पैकेज है, जैसे हमारे फील्ड में जो हमारी पोजिशन पे जो होता है
बट आई वोंट डिस्क्लोज द नंबर्स व्हाई बिकॉज मुझे लगता है कि ये वीडियो सभी लोग देखेंगे, स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस सब लोग, तो मुझे लगता है कि नंबर्स देख के या पैकेज देख के आप अपना करियर डिसाइड नहीं करें तो इट वुड बी बेटर, आपका इंटरेस्ट जो हो, आप जो करना चाहते हैं वो ही करें, पैकेज अपने आप मिल जाता है। अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको पसंद है करना और आप उसमें अच्छा कर रहे हैं तो आपको पैसे सब में मिलते हैं, हर करियर ऑप्शन में आपको यू कैन अर्न वेल। अब आप इसे कुछ भी कहो बट मैं वो बच्ची थी जो मांग मांग के काम लेती थी तो मेरे टीएल को पता था, मैं एक बार क्या हुआ टीसीएस में एक पॉस मशीन्स आई थी, उनसे रिलेटेड थोड़ा सा नया डेवलपमेंट था तो उसकी ट्रेनिंग चल रही थी। अब मेरे उसमें मैं बाई चांस प्रोजेक्ट में नहीं थी, ऑब्वियसली आप हर प्रोजेक्ट में नहीं हो सकते, आपकी टीम में तो चल रहे हैं राइट, मैं दूसरे प्रोजेक्ट में थी। अब मुझे दिखता था ये लोग सब जा रहे हैं, तीन चार लोग ट्रेनिंग के लिए, क्या पता नहीं क्या सीख रहे होंगे, उसमें कुछ नया मिल रहा होगा सीखने को शायद। तो मुझे ना इट वॉज मैं इतनी क्यूरियस थी कि मैंने बोल दिया जाके सेकेंड डे कि सर आई वॉन्ट टू पार्ट बी पार्ट ऑफ इट। उन्होंने कहा ठीक है, मोस्ट वेलकम, अच्छा है, ऐसे कोई खुद से आगे बोले तो ये तो बहुत ही अच्छा होता है। सेम विद पेटीएम, वहाँ पे भी मेरे को बहुत क्यूरियस मैं रहती थी, अगर कुछ भी नया काम हो रहा है, कोई नया डिजाइन आया है तो मैं सबसे जाकर पूछती थी सबकी टेबल्स पे जाके कि आपने उस पे काम किया है, डिस्कस करें क्या एक बार। थैंक यू कांसा, आपने हमें टाइम दिया और अपनी एक जर्नी शेयर की। थैंक यू गाइस टू वॉचिंग दिस वीडियो टिल हेयर एंड कीप सब्सक्राइबिंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय। थैंक यू सो मच अंकल, बाय।